बात करते हैं इंडिगो कल्टीवेशन की। इंडिगो कल्टीवेशन टू टाइप का था, एक तो था निज और दूसरा था रैयती। निज कल्टीवेशन को देख लेते हैं। निज कल्टीवेशन में रैयत की लैंड होती है, रैयत यानी कि जो पीजेंट्स होता है उसकी लैंड होती है, और जो पीजेंट्स है वो क्या करते हैं, इंडिगो प्रोड्यूस करते हैं अपनी उस ज़मीन पर, ठीक है। और उस पर डायरेक्टली कंट्रोल किसका होता है, जो प्लांटर्स, जो लैंड का जो मालिक होता है ना उसका कंट्रोल होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, जो लेबर है उसको क्या करता है, हायर करता है, ठीक है। और जो इंडिगो कल्टीवेशन है वो कहाँ पर होता है बच्चों, ऐसे एरिया पर होता है जो कि क्या होता है, फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, ठीक है। और जो ऐसा एरिया था वो क्या था, ऑलरेडी पॉपुलेटेड था, डेंस था, ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और जो खेत हैं वो छोटे छोटे प्लॉट्स के रूप में थे, ठीक है। दे अटैम्प्ट टू लीज इन लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्रीज, और जो इंडिगो फैक्ट्री के आसपास जो भी जो लैंड थी वो क्या कर रखी थी, लीज पर ले रखी थी, किसने, प्लांटर्स ने, और एविक्ट द पीजेंट फ्रॉम द एरिया। और जो बाकी के जो लोग थे, जो पीजेंट्स थे, वो क्या करते थे, इंडिविजुअल अपने जब लैंड पर क्या करते थे, नील की जो खेती वो करते थे। लेकिन इन सब में, ठीक है, आपस में क्या होता था, कन्फ्लिक्ट होता था, यानी कि एक तो प्लांटर्स की लैंड है और एक किसी किसान की लैंड है, तो जो प्लांटर्स की लैंड पर काम करने वाले मजदूर और जो पीजेंट्स की उस पर खेत पर काम करने वाले मजदूरों के बीच में क्या होता था, आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाते थे, ठीक है, और टेंशन हो जाती थी। क्यों टेंशन हो जाती थी, क्योंकि जो लेबर है वो दूर जाना नहीं चाहती थी, ठीक है, अपनी जिस एरिया में वो शुरू से काम करती आई है उसी एरिया में वो क्या करना चाहती थी, काम करना चाहती थी, इसीलिए वो उन लोगों के साथ काम करना चाहती जिनके साथ उनके खुद के संबंध है, ऐसे लोगों के खेतों में जाकर वो क्या करना चाहती थी, मजदूरी का काम करना चाहती थी। और जो पीजेंट्स हैं वो ज़्यादातर किसके कल्टीवेशन में रुचि रखते थे, राइस का कल्टीवेशन करना चाहते थे, राइस क्योंकि वो क्या थी, उनकी एक खाद्य फसल भी थी, और दूसरा वो उगाने से, राइस उगाने से उनको क्या मिलता था, मनी भी ज़्यादा मिलता था। और एक बीघा में किसकी ज़रूरत होती थी, दो बैलों की ज़रूरत होती थी, ठीक है, दो हल की ज़रूरत होती थी, और इसमें इन्वेस्टमेंट और मेंटेनेंस करना इसका बड़ा तो एक बड़ा इशू बन जाता था, क्योंकि जो रैयत सी जिसके जो निज खेती पे काम करने वाले जो किसान थे उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो दो हल की व्यवस्था कर सके। और जो टोटल जो इंडिगो प्लांटेशन की जाती थी उसमें 20% जो लैंड थी वो निज सिस्टम के अंडर में आती थी, ठीक है। निज सिस्टम में बच्चों खेत उस रैयत का खुद का होता था, ठीक है। और दूसरा है रैयती कल्टीवेशन। रैयती कल्टीवेशन में क्या होता था, प्लांटर्स आते थे, बड़े बड़े खेतों को क्या कर लेते थे, खरीद लेते थे, और उन खरीदे हुए खेतों को लीज पर देते थे किसको, किसानों को, पीजेंट्स को, और उसको क्या कहा जाता था बच्चों, सत्ता कहा जाता था, ठीक है, एग्रीमेंट कहा जाता था। उस एग्रीमेंट के आधार पर वो लोग क्या, उनको क्या मिलता था, लोन मिलता था, जो कि इसका इंटरेस्ट क्या होता था, बहुत कम होता था, मिनिमम होता था, ठीक है। आप उन लोगों से जो प्लांटर्स थे वो क्या क्या उनके हेल्प करते थे, सीड्स देते थे उन्हें, ड्रिलिंग का काम वो करवाते थे, ठीक है, और जो जो सॉइल प्रिपेयर करने का काम है, बीज बोने का काम है, लुक आफ्टर करने का काम है, ये कौन करते थे बेटा, पीजेंट्स करते थे, जो कि उस ज़मीन को क्या करते थे, लीज पर लेते थे। जो प्राइस हैंडिगो का जो उनको काम करने के लिए जो मिलता था वो बहुत कम था, और जो उनका लोन का जो साइकिल था वो क्या था, बहुत ही बढ़ता जा रहा था, यानी कि लोन उनका उस टाइम पर चुक नहीं पा रहा था, ठीक है। इंडिगो हैज़ डीप रूट्स, और जो इंडिगो के जो प्लांट्स हैं वो गहराई तक उनकी जड़ें जाती थी, ठीक है, और वो क्या करते थे, जो सॉइल है वो सॉइल को क्या कर देती थी, उसका उपजाऊपन धीरे धीरे ख़त्म कर देती थी, उससे उस ज़मीन में क्या नहीं उग पाता था, कभी भी राइस वगैरह जैसी जो क्रॉप्स हैं, जो ग्रेन क्रॉप्स हैं वो नहीं उग पाती थी, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम थी निज कल्टीवेशन की और रैयती कल्टीवेशन की, उन प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। अब इसमें क्या, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। पहली चीज़ तो वे प्लांटर्स के लिए अपना जो एरिया है कल्टीवेशन का वो बढ़ाना मुश्किल होता था, बढ़ ही नहीं पाता था, जो जितना एरिया उतना ही रहेगा, ठीक है। एज इंडिगो रिक्वायर्ड फर्टाइल लैंड, जैसा कि इंडिगो के लिए किसकी ज़रूरत होती थी, फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती थी, लेकिन वहाँ क्या था, उन लोगों के पास क्या थे, छोटे छोटे प्लॉट्स के रूप में खेत थे, ठीक है। और दूसरी उसकी प्रॉब्लम क्या थी,
कि जो लोग थे वो मोबिलाइज थे, यानी कि दूसरी जगह जाकर काम करना नहीं चाहते थे, उन्हीं जगह में जाकर काम करना चाहते थे जिनको कि वो फैमिलियर है, ठीक है। और लार्ज प्लांटेशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीजेंट वाज यूजुअली बिजी इन राइस कल्टीवेशन, ज़्यादातर जो पीजेंट्स हैं वो किस में बिजी रहते थे, राइस कल्टीवेशन में बिजी रहते थे, क्योंकि वो एक फूडिंग क्रॉप थी और अगर उसकी खेती करने के बाद उन्हें फूड के रूप में वो मिल जाता था, ठीक है। और जो प्लांटर्स थे वो क्या, उनको क्या डिफिकल्टी आती थी कि लार्ज स्केल पर क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ती थी, उन्हें हल की, बैलों की जरूरत पड़ती थी, और निज कल्टीवेशन में उसका करना, अरेंजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। ये तो थी निज कल्टीवेशन की प्रॉब्लम। अब देखते हैं रैयती कल्टीवेशन की को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, यानी कि एक तो जो पीजर्स थे उनको क्या था, बहुत कम प्राइस भी दिया जाता था, ठीक है। और जो इंडिगो प्रोड्यूस जो होता था उसकी जो खरीद करते थे वो क्या होता था, बहुत सस्ते में खरीद लिया जाता था। और उनका जो साइकिल है, कौन सा साइकिल बच्चे, जो कि लोन लिया था उन्होंने उस सत्ता के ऊपर या उस एग्रीमेंट के ऊपर जो कि उन्होंने प्लांटर्स के साथ की थी, उस पर जो लोन लिया था वो लोन उनका चुक नहीं पाता था उतना, ठीक है। और जो प्लांटर है यूजुअली क्या इंसिस्ट करते थे कि इंडिगो की जो प्लांटर्स इनकी जिनकी ज़मीन होती थी ना, वो क्या करते थे कि ज़्यादातर क्या चीज़ उगाई जाए, नील उगाया जाए। और जो सॉइल है, सॉइल क्या की जो, और सॉइल की प्रेफरेंस और जो पीजेंट्स की, पीजेंट्स किसको ज़्यादा महत्व देना चाहते थे, वो चाहते थे कि राइस उगाएं, ठीक है। क्योंकि इंडिगो की जो गहरी जड़ें हैं वो क्या कर देती थी, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है उसको क्या कर देती थी, ख़त्म कर देती थी। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट, यानी कि एक बार इंडिगो उगा लेने के बाद उस ज़मीन में कुछ कभी भी राइस नहीं बोया जा सकता था, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडिगो, जो इंडिगो है वो कैसे बनता था उसके बारे में देखते हैं। इंडिगो बनाने के लिए बच्चों उनको क्या है, तीन वो अलग अलग टब जैसे से लेने पड़ते थे, जिसे क्या कहा जाता था, वेट कहा जाता था, जिसमें कि क्या काम होता था, फर्मेंटिंग वेसल्स भी होते थे, उसमें क्या था, फर्मेंटेशन का काम होता था, ठीक है। आप एक व्यक्ति होता था जिसके पास एक डंडी छड़ी जैसी सी होती थी, उसे व्यक्ति को क्या कहा जाता था, वेट बीटर कहा जाता था, और वो भी क्या था, नील की खेती में कार्य करने वाला मजदूर था, और उन मजदूरों को भी ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें लगातार 8 घंटे तक कमर तक उस गीले पानी में रहना पड़ता था,